गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्षदौर में रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे और हमारा साथ देने के लिए राजेश सतपुते और आशीष बोहेती पिछले शो से बने हुए हैं। रचना वैद्य और जतिन गेड़िया जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉचेस में दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे, प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान और JM फाइनेंशियल्स के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से समझेंगे मार्केट का टेक्निकल टेक्सचर। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा नज़र डालते हैं मार्केट पर। दिक्कत फिर से बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्लैट है, होल्ड कर रहा है डेलोज को, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार डेलोज की तरफ बढ़ता हुआ एक बार फिर से वो रिकवरी फेल होती हुई बैंक निफ्टी में। और अब एक चीज़ क्लियर हुई कि कल का जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट था या फेक ब्रेकआउट था, अब मार्केट ने इस वर्डिक्ट को कंफर्म किया। हालांकि आज मिड कैप्स अच्छा कर रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन मिड कैप भी कूल ऑफ हुए थोड़े हायर लेवल से। कुछ स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे मार्केट में, मुथूट फाइनेंस 3% ऊपर, डिवीज लैब्स 3% ऊपर, RBL बैंक, चंबल, एक्साइड, बंधन बैंक, क्रॉम्पटन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय, जुबिलेंट फूड जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स जो मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं उनमें सबसे ऊपर बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे के सारे बैंकिंग नेम्स, बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी वजह से मार्केट्स के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ। हालांकि HDFC बैंक डे लो से थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी प्रेशर डाल रहा है मार्केट के ऊपर। और अब SBI ये भी आ गया है डे लो पर। हर्षदा जी, हाँ, तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स जो इस समय मार्केट को थोड़ा सा दबाव में डाल रहे हैं। लेकिन हमारे जानकार कैसे देख रहे हैं इस मार्केट में, क्या इस डिप पर अपॉर्चुनिटी है या नहीं, उन्हीं से पूछना शुरू करते हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, हमें लगता है कि लॉन्ग साइड की तरफ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमें मिलने चाहिए, तो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड्स देंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो भारत फोर्ज में होगा। भारत फोर्ज में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, हमें लगता है आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिलना चाहिए, तो भारत फोर्ज लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का और टारगेट रहेगा 1665 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो IGL इंद्रप्रस्थ गैस में होगा। हमें लगता है कि बहुत दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड हमें देखने मिल सकता है, तो IGL में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 585 का, स्टॉप लॉस रहेंगे 540 के। IGL और भारत फोर्ज, ये फिलहाल आपके लिए दो ट्रेड्स जो जतिन ने समय आइडेंटिफाई किया। अच्छा, स्पीच IGL बाय द वे करीब करीब 1% के गेंस पर बैठ भी गया है। रचना जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग, और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेंगे, देखिए मार्केट का आज का टेक्सचर देख के ये लग रहा है कि मार्केट में जो फ्रंटलाइनर्स हैं वो थोड़ा रेस्ट मोड पे है, तो जो भी मूवमेंट अगर आएगी ऑन द अपसाइड, जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे अगर डेवलप होती है अपसाइड मूवमेंट, तो वो मिड कैप का रोल उसमें कल की तरह ही आज भी सही सही रहना चाहिए। तो एक मिड कैप काउंटर है जुबिलेंट फूड्स, जो हमने क्लाइंट्स को भी दिया, और यहाँ पे मुझे स्पेस का सेटअप और चार्ट का सेटअप बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे 637 पे है प्राइस, ये कैश का लेवल है, और अगर ये काउंटर 630 के ऊपर रहता है तो अपसाइड पे ये 645 एंड 655 की तरफ जाता हुआ हमें जुबिलेंट फूड नजर आ सकता है, एंड बीइंग अ मिड कैप इट वुड बी वन ऑफ द नेम्स जो अच्छे से प्ले कर रहे। और दूसरा जो मैं देना चाहूंगी दैट वुड बी फ्रॉम द मेटल्स काउंटर विच इज हिंडाल्को। हिंडाल्को में फिलहाल एक अटेम्प्ट है, हालांकि इट इज द थर्ड डे ऑफ द मूव, सो थोड़ा कॉशन के साथ, बट नेवरदलेस यहाँ पे आपको इंट्राडे डिप बहुत छोटा सा मिला है, तो विद अ छोटा सा स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 673 और इवन 674 इज अ गुड स्टॉप लॉस। 674 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पे भी 690 तक के लेवल्स आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो हिंडाल्को में भी एक अपॉर्चुनिटी इस समय आपको दिखाई दे रही है, स्टॉक लगभग 1% ऊपर, तो ये फिलहाल आइडेंटिफाई किया है रचना जी ने आपके लिए। राजेश सातपुते, बताइए आप क्या पिक करेंगे। हर्षदा जी देखिए, दोनों मिड कैप है, क्रॉम्पटन मुझे एक अच्छा लगता है, क्रॉम्पटन में स्ट्रेंथ बनी हुई है और मुझे लगता है इसका टारगेट जो है वो 475-480 का रहेगा फॉर द डे, सो इट्स अ लॉन्ग इन क्रॉम्पटन, स्टॉप लॉस रहेगा 455 का। द नेक्स्ट काउंटर विल बी मदर्स एंड सुमी, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी स्विंग, अच्छा ट्रेड बन रहा है, अच्छी स्विंग मिल रही है और अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर एक खड़ा है, तो इट्स अ बाय इन मदर्स एंड सुमी, 187 का स्टॉप लॉस होगा, 200 प्लस का स्विंग मिलना चाहिए, तो इट्स अ बाय इन मदर्स एंड इट्स अ बाय इन। ओके, बाय इन मदर्सन और बाय इन क्रॉम्पटन। अब चलते हैं आशीष बहेती के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी ट्रेड इस समय की।
गुड मॉर्निंग अनुज जी. अनुज जी, पहला जो स्टॉक रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी. बहुत अच्छे से ये प्लेस्ड है और जिस हिसाब से निफ्टी को भी सपोर्ट दे रहा है, मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है. अपना जो रिसेंट हाई था उसको वहां तक जाने के लिए तो खरीदारी की सलाह है रिलायंस में. जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है और 2970 2970 का एक एसएल मेंटेन करे, 3030 60 और 3100 का इमीडिएट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है. दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो एबी कैपिटल का, इसमें भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से एनबीएफसीज में मोमेंटम देख रहा है, मुझे लग रहा है एबी कैपिटल के थ्रू इसे चेज करना बेटर रहेगा. तो 218 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 227 के पहले टारगेट और 230 के सेकंड टारगेट के लिए. ओके तो ये इस समय आशीष बेहरी जी की दो पिक्स इस समय. अच्छा रचना जी, एक व्यू आपसे लेना था मुझे बायोकॉन पर, अगर कोई व्यू होगा इस स्टॉक पर तो. स्टॉक का नाम क्या बताया आपने? बायोकॉन 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 पे. ओके, बायोकॉन पे हम डेफिनेटली व्यू ले सकते हैं. एंड बायोकॉन की जहां तक बात है, यहाँ पे फार्मा वगैरह में वैसे भी सेक्टोरली थोड़ा मूव है, और बायोकॉन का चार्ट सेटअप ये दिखा रहा है कि प्राइसेस क्रॉस द 20 पीरियड एवरेज टुडे इटसेल्फ ऑन द इंट्राडे चार्ट्स एज वेल एज ऑन द डेली चार्ट. तो यहाँ पे 352 पे प्राइस बैठी हुई है. अगर 347 होल्ड कर जाएगा यहाँ पे, विच इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो यहाँ पे अपसाइड पे 366 की तरफ ये काउंटर हमें जाता हुआ विद इन 2 to 3 days दिख सकता है. मीन वाइल क्लियरली मार्केट कई बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस लेकर आई है. रिलायंस अब आ गया है फॉर्म में और मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक, और क्लियरली निफ्टी को अब गेम में अगर कोई स्टॉक रख रहा है तो वो रिलायंस है. और देखिए एचडीएफसी बैंक के भी लॉसेस कट हुए हैं. एक टाइम पे एचडीएफसी बैंक नंबर वन था ड्रैग्स में, अब वो आईसीआईसीआई बैंक है. लेकिन रिलायंस और एलएनटी आज जो एक हमारा एक व्यू था ना आज तक, कि आज नॉन बैंक नॉन आईटी स्टॉक्स पर फोकस करें. रिलायंस, एलएनटी, आईटीसी, ये सब स्टॉक इस समय ठीक ठाक कर रहे हैं. रिलायंस की बात हुई है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर चला देंगे वैसे, लेकिन क्लियरली आज ये स्टॉक एक शानदार मोमेंटम है. चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कुछ और उनसे जानते हैं कि इस समय वो मार्केट में क्या कर रहे हैं. प्रकाश, गुड मॉर्निंग. प्रकाश, पहले मैं आपसे व्यू लूँगा एक ऐसी स्पेस जहाँ पर आप बहुत बुलिश रहे हैं काफ़ी टाइम से, डिक्सन, एम्बर, इस तरीके के स्टॉक्स. डिक्सन में खास तौर से एक बड़ा मूव आया, अब इन लेवल्स पर क्या प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर बने रहें? गुड मॉर्निंग अनुज. यस, देखिए ये जो कंपनीज हैं जो कांस्टेंट बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट उनको अच्छा खासा रिवॉर्ड करने की चेष्टा कर रहा है और उस वजह से एक मोमेंटम बना हुआ है जो लिक्विडिटी इन स्टॉक्स को चेज कर रही है. लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इन कंपनीज की जो अर्निंग्स की ग्रोथ हम आगे चल के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और विजिबिलिटी जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा कि विजिबिलिटी नहीं है, बट इनको इतना पी मल्टीपल जब आप देते हैं तो होता ही है कि स्ट्रक्चरली अगर मार्केट में कोई शेकआउट होता है, कहीं करेक्शन आता है और जो लिक्विडिटी थम जाती है, तो इन सब स्टॉक्स में से गिरावट जो है वो आपको थोड़ी सी शार्प रह सकती है. सो आई वुड बी अ बिट कॉशियस. मैंने जैसे कहा, बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये सारी स्पेस बहुत प्रॉमिसिंग है और प्रॉमिसिंग होगी, क्योंकि हमने एक कंजम्पशन साइड में बॉटमिंग आउट देखी ग्लोबली, और कहीं ना कहीं रीस्टॉकिंग का जो दौर शुरू हो रहा है उससे इन पार्ट्स नॉट सभी सेगमेंट में, बट जो जो सेगमेंट में ये प्रॉमिसिंगली प्रेजेंट है वहां पे इंप्रूवमेंट आपको दिख सकता है. लेकिन आई वुड बी कॉशियस. मतलब मैंने खुद ही ये स्टॉक्स इतने नीचे के लेवल पे देखे हैं और डिस्कवर किए हैं कि आप थोड़ा सा ज्यादा पी मल्टीपल थोड़ा सा ज्यादा ओवर द टॉप थोड़ा सा महसूस हो रहा है. तो आई वुड ईदर बुक प्रॉफिट्स अगर मेरी और कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो, या आई वुड नॉट एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन दिस मोमेंट. तो थोड़ा सा सावधान शायद रहा जाए, कंसिडरिंग स्टॉक्स पहले काफी भाग चुके हैं. प्रकाश, गुड मॉर्निंग. मैं फार्मा कंपनियों पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कुछ देर पहले अनुज और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि इस अर्निंग्स सीजन के बाद, Q1 के बाद, कंपनी ने काफी क्लियरली एक डायरेक्शन दिखाया है कि कैसे यूरोप, यूएस और इंडिया में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डिलीवर करने लगे हैं, और वो शायद अर्निंग्स के लिहाज से आगे डिलीवरी और ज्यादा बेहतर होने के आसार है. एंड इट्स नॉट ओनली अ सेक्टर जहां पर गिरते बाजार में कुछ यू नो छुपने की जगह मिले. आपकी अप्रोच क्या रहेगी, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके की प्रोडक्ट्स पर इस समय आप कुछ बुलिश होकर पोजीशन ली जा सकती है? गुड मॉर्निंग अर्चना. फार्मा एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सेक्टर होती जा रही है. उसका कारण ये है कि जो फ्रंटलाइन कंपनीज हैं जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट देखना शायद पिछले साल से शुरू
हो गया था मिडिल ऑफ लास्ट ईयर, अगर आप देखें कैलेंडर 22, तो ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा, इन सब में एक बहुत अच्छा आपको मूव दिखना शुरू हुआ था, क्योंकि उनका बिजनेस, यूएस का बिजनेस जो है वो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ, और इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ ग्लेनमार्क, मतलब कई हैं जो, पर ये सारे ही बड़े नाम है। और फार्मा कंपनीज जो हमारे यहाँ लिस्टेड हैं, करीब 120 125 लिस्टेड कंपनी जो है मेन लाइन, उनमें से जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें अर्शदा ऑलरेडी एक पहला मूव आ चुका है। तो अब ये मूव कंटिन्यू होना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि अब इनको अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है। जो इन्होंने 16-17% पे ग्रोथ कायम की, उसकी जगह अभी हो सकता है सिंगल डिजिट पे या 11-12% के आसपास रहे। सो मेरे हिसाब से फार्मा में बड़ी कंपनीज में आपको इतना स्ट्रांग मूव नहीं दिखेगा, पर जो मिड साइज कंपनीज है या छोटी कंपनीज है जो बहुत स्पेशलाइज एरिया में, जैसे जो CDMO में है, कोई API में है, वहां पे आपको एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा दिखेगी। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो कोपरान है, थेमिस मेडिकेयर, इस टाइप की छोटी कंपनी ये जिनके जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, प्रोसेसेस इन प्लेस हैं, और कहीं भी USFDA को लेके कोई स्पीड ब्रेकर आएगा या कोई ब्रेक लगेगी, ऐसी चीजें नहीं आएंगी। बट ये इस पर थोड़ा मैं ये अर्ज करूंगा था लोगों को कि अपने ड्यू डिलीजेंस के बाद इसमें से चयन करें, क्योंकि ये छोटी कंपनीज कभी कभी आपको गुमराह भी कर सकती है। एक दो अच्छे क्वार्टर आने से ये लगता है कि अब ये चलता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिनकी कैपेसिटी है, जिन्होंने सही समय पर पिछले साल एक्सपेंशन किया है, वहां पे आपको थोड़ा दिखेगा। बट एज यू सेड, फार्मा में भी छुपने की जगह बहुत ज्यादा बची नहीं है, क्योंकि जो अच्छा जो मुंह आना था, जो 50-40%, 50% ऑलरेडी हम बड़ी कंपनीज में देख चुके हैं, वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है आप एक धीमापन भी महसूस हो सकता है। तो छोटी कंपनीज के ऊपर फोकस ज्यादा है। छोटी कंपनियों पर फोकस ज़्यादा रहेगा। मेन वाइल निफ्टी कोशिश कर रहा है डे हाई पर आने की, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ले ली है रिलायंस ने। वहाँ पर अब मूव्स काफ़ी शानदार आ रहे हैं। प्रकाश, कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें आपने, अगर दो तीन स्टॉक्स बता सकें जो कुछ फ्रेश ट्रेडिंग आइडियाज या इन्वेस्टमेंट आइडियाज। तो अनुज देखिए, मुझे एक चीज समझ आई है कि जो बड़ी कंपनीज है वहां पे अभी भी, जैसे आपने रिलायंस की बात की, आज ऑफकोर्स रिलायंस ये सारा श्रेय निफ्टी के रिवाइवल का जो जा रहा है वो है, क्योंकि रिलायंस इटसेल्फ में एक दो चीजें हुई हैं जो रिजल्ट्स के बाद हुई है, पिछले क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद, लेकिन वो अभी तक फैक्टर इन प्राइस में मेरे हिसाब से नहीं हुई है। तो अगर कोई टैक्टिकल पोजीशन लेना चाहे तो रिलायंस में आपको यहाँ से 8-10% की एक अपसाइड दिख सकती है। और AGM आ रही है, AGM में काफी क्लैरिटी आने की उम्मीद है, खास करके उनके जो ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस की, न्यू एनर्जी बिजनेस के बारे में, जो एक एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है मेरे हिसाब से। छोटी कंपनी जो मिड कैप कंपनीज हैं, वहां पे आप देख रहे हैं एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जहाँ लो फ्लोटिंग स्टॉक है वहां प्राइस बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो एक एक फीलिंग ये आती है कि परफॉर्मेंस ड्रिवन है, जबकि अभी भी पी एक्सपेंशन का ही दौर चल रहा है। मुझे बहुत बहुत कम गिनी चुनी कंपनीज है जहां पे इस टाइप का मूव दिख रहा है। लेकिन आप ये देखिए, कुछ कंपनी जो हमने पहले डिस्कस की लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही थी, वहां पे भी इतने अच्छे अच्छे मूव आ चुके हैं। तो हम लोग तो एक्चुअली कैश पे बैठे हैं, और चेष्टा यही है कि जहां जहां से निकलने की जगह बनती है वो निकले। जो लार्ज कैप कंपनीज का मैंने जिक्र किया, उसमें मुझे अभी भी ITC में मुझे नहीं लगता कि कोई इस टाइप का मूव आया है जो जस्टिफाई करे जो सेलियंस है उसको, और वो होटल बिजनेस के डीमर्जर जैसे जैसे नजदीक आएगा उसमें आपको लेगा, तो ITC कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अपसाइड यहाँ से। और L&T देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, छोटी कंपनीज में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपको L&T जैसी कंपनी वहीं मिल गई है जहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर पहले जो रिजल्ट में दिखाया था, तो आपको 3600 के लेवल पे अगर L&T दिख रहा है, तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई, जो बोलते हैं ना प्लेस टू हाइड, में इस टाइप की कंपनीज ना हो। तो हम लोग थोड़ा सा झुकाव बड़ी कंपनीज की तरफ रख रहे हैं, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, के FIs के भी जब पैसे वापस आते हैं, आपको पता ही है, आप इसको इतना ट्रैक करते हैं क्लोजली, कि ये बड़ी कंपनीज में पहले एलोकेशन ज्यादा आएगी। तो मार्केट अभी भी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, आउट ऑफ डेंजर जोन नहीं है। मुझे अभी भी लगता है मार्केट की वल्नरेबिलिटी को समझना जरूरी है, और वो उसमें मिड कैप स्मॉल कैप में पुल बैक जरूर आया है कि भाई बाय ऑन डिप्स हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं लगता। फिर ऐसे दिग्गजों में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी कई सारी आती हैं, प्रकाश आपने रीसेंट पास्ट में क्या नया खरीदा है बिग बॉयज में, पोस्ट अर्निंग्स समथिंग दैट यू थिंक यू नो कि अफलातून परफॉर्मेंस दिखा सकता है? क्योंकि एक चीज मैं नोटिस कर रही थी, एक पॉकेट जिस पर लोगों ने कंप्लीटली कॉन्फिडेंस छोड़ दिया था वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी।
आई डोंट नो इसमें क्या बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो जीएसटी की बैठक होगी उस पर कुछ विचार होता हुआ दिखाई देगा या नहीं, या फिर वाकई में वैल्यू दिखने लगी है इस स्पेस पर, आपने कुछ एक्सपोजर लिया है? तो अर्चना, इंटरेस्टिंगली इस स्पेस में कॉम्पोजिट लाइसेंस एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर कुछ अफर्स काफी समीक्षा हुई कि भाई ये जरूरी है इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, अब हम मच्योर हो गए, तो ये जो सारे तर्क आए हैं सामने उसके बेसिस पे अगर कॉम्पोजिट लाइसेंस की प्रक्रिया थोड़ी सी वो पकड़ती है, वेग पकड़ती है, तो मुझे लगता है LIC itself will probably be doing very well. अभी LIC में इस टाइप का कोई आपको ट्रिगर शायद नहीं महसूस होगा, लेकिन जो पोर्टफोलियो उनका है अंडरलाइंग जो बॉन्ड्स पोर्टफोलियो है वो भी आपको कहीं ना कहीं अगले एक क्वार्टर में मार्क टू मार्केट गेन्स में शुरू हो जाएगा कंट्रीब्यूट करना. सो आई वुड बिलीव अगर आपको, ऑफकोर्स बाकी की कंपनीज में भी कोई खामी है नहीं, जो बड़ी कंपनीज हैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ SBI लाइफ, लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूँ बास्केट अप्रोच रखते हैं हम लोग इंश्योरेंस में, बट LIC प्रॉब्ली इज अ वेरी गुड बेट एट दिस पॉइंट इन टाइम. और जो रिजल्ट्स के आपने जो पूछा, रिजल्ट्स के बाद अगर आप देखें कई जगह डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन वो टेम्पररी होने की वजह से एक रीस्टॉकिंग जो ग्लोबली हो रहा है उसमें केमिकल स्पेस में मुझे, और खास करके एग्रोकेमिकल में यूनाइटेड फास्फोरस देखिए, यहाँ भी आपको एक छोटा सा टैक्टिकल मूव दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी कंपनी इतनी बढ़िया है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे आपको इतने सस्ते में मिल रही है, तो इस टाइप की चीजें हैं. लेकिन एज आई सेड अर्लियर, अनुज के सवाल का जवाब देते हैं कि बहुत ज्यादा एलोकेशन अभी करने का वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमको मार्केट अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव्स आएंगे, लेकिन इवेंट ड्रिवन वो उसकी वजह से ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन फिर भी टेक्सचर मार्केट का वीक है. और अगर नीचे आता है 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे आ जाता है, आई नो 1000 पॉइंट बोलते ही थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन अगर 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है तो आपको अच्छी चीज है, अच्छे भाव पे मिलना शुरू हो जाएगी, विच बहुत पेशेंटली आपको वेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो फोमो ना रहे उस हिसाब से हम लोग तैयार होकर बैठे हैं. लेकिन कुछ ये बड़ी चीजें जैसे ITC था, LNT है, UPL है, इस टाइप की कंपनीज में भी हम लोग थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा रहे हैं. केमिकल स्टॉक्स प्रकाश, यहाँ पर बहुत लोग शायद फंस चुके हैं अब, क्योंकि साइंस आते हैं रिकवरी के, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आरती जैसा एक्सीडेंट हो जाता है. यहाँ पर क्या व्यू है आपका? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अनु. यस, इसमें दो क्वार्टर पहले हम लोग ऑलमोस्ट ये सेलिब्रेट करने लगे थे कि वापस वॉल्यूम पिकअप हुआ है. एक्चुअली प्राइस पिकअप हुआ है, मार्जिन ठीक ठाक है, पर वॉल्यूम पिकअप नहीं हुआ है. उसका रीजन ये है कि अभी भी ग्लोबल इक्विलिब्रियम जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है डिमांड की तरफ का. बट इफ यू सी जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें क्या होता है कि स्पॉटलाइट ज्यादा होने की वजह से ऑलरेडी सब कुछ बहुत क्लोजली ट्रैक होता है, तो फटाफट आपको उसमें मुंह ऊपर के नीचे के दोनों आते हैं. बट एक छोटी कंपनी है, उसका नाम मैं ले रहा हूँ, जो थोड़ी सी आपको स्टडी करेंगे तो समझ आएगी कि केमिकल वैल्यू चेन में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है. रोजारी बायोटेक करके कंपनी है, बहुत ही स्टडी से आप बिजनेस रहा है. ऑफकोर्स ई मल्टीपल के बेसिस पे अपने हिस्टोरिकल एवरेज से वो भी थोड़ा ज्यादा है, पर अगर रोजारी को देखें तो ये अगर बिजनेस इसका जिस टाइप का इम्प्रूवमेंट अगर दिख रहा है आगे, जो इनके जो पिछला केपेक्स किया था उसका जो अनफोल्डिंग हो रहा है, जो यूटिलाइजेशन लेवल आ रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, वो जैसे जैसे आना शुरू होगा PNL में, तो आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट देख सकते हैं. ऐसे मतलब 25-30% की अपसाइड की बात कर रहा हूं मैं, बहुत कोई मल्टी बैगर बन जाएगा इमीडिएट बेसिस पे ऐसा तो कुछ नहीं है, बट यस एटलीस्ट एक सेफ्टी लेवल है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा इसमें फेवर. रोजारियो बायोटेक 2% वैसे ऊपर है आपके बोलने के साथ ही. प्रकाश, जिस तरह का रिएक्शन ओला इलेक्ट्रिक को मिला है पोस्ट लिस्टिंग, कोई फ्रेश व्यूज? क्योंकि ना कल हम यही बात कर रहे थे कि हीरो मोटो कॉर्प जो एक लेगेसी प्लेयर है वो भी अपना आगे चलकर होपफुली बाकी सभी लेगेसी प्लेयर्स अपनी EV में मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे और उसकी तरफ कदम बढ़ने लगे हैं. कुछ थोड़ा सा चेंज वो फाडा के डेटा में दिखाई दिया है, लेकिन उसके सामने ओला कंसिडरिंग एक लिस्टेड प्लेयर है, दूसरी तरफ अब वो मोटर बाइक सेगमेंट में भी आ गया है जिसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एज शायद इनके फेवर में जा सकता है. निवेशकों को सोचना चाहिए इसके बारे में इन लेवल्स पर या दूर है? अर्चना, ओला के IPO के बाद एक बहुत ही स्ट्रांग फोमो की फीलिंग है. मैं जिनसे भी बात करता हूँ हमेशा वो यही कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना अपसाइड इसमें दिख जाएगा, और उसके कई कारण हो सकते हैं. टेक्निकल कारण है कि फ्लोट थोड़ा कम है, अभी भी इंस्टीट्यूशनल पैसा जो आया है वो लॉक इन के अंदर है. दूसरा, एलोकेशन करना ही पड़ता है आपको एज एन इंस्टीट्यूशन कई बार, क्योंकि स्पेस में लीडर है या एक ही रिप्रेजेंटेशन है प्योर EV प्ले में, तो उस लिहाज से कुछ चीजें हैं.
अगर किसी के पास है तो मैं तो, अगर मेरे पास होता, ऑफ कोर्स अलॉटमेंट मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने आईपीओ में सब्सक्राइब ही नहीं किया, बट अगर हो तो मैं तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करूं, क्योंकि इन सब कंपनीज में होता ही है कि प्रॉफिट आने का जो टाइम लगता है उसके दरमियान बहुत चीजें उतार चढ़ाव बहुत आपको दिखता है, तो आपको कोई कंफर्ट नहीं आएगा। और ये चीज हमने कई बिजनेसेस में देखा है, चाहे नाइका हो, जोमेटो हो, डिलीवरी हो, पीबी फिनटेक हो, मतलब मैं बहुत लंबी कतार है इस टाइप के बिहेवियर की। आई वुड नॉट कंपेयर इट विद सम ऑफ दीज कंपनीज क्योंकि इसमें बिजनेस अलग है, लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब आप हर एक स्कूटर बेच रहे हो और नुकसान कर रहे हो। तो थोड़ा सा नए स्कूटर नए बाइक्स के लॉन्च के बारे में इतना एक्साइटमेंट होना, मेरे हिसाब से तो नंबर्स जो बोलते हैं वो भी फॉलो मैं करता हूँ, स्टोरी अलग है। तो थोड़ी सी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स वीक है, तो आई एम नंबर्स पर्सन, तो थोड़ा सा नंबर्स के लिहाज से कॉशियस रहूँ। चलिए ये हो गई बात ओला इलेक्ट्रिक की। अच्छा सिंस आपने बात की कि कंपनियां ठीक है प्रॉमिस हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं है, एक कंपनी जहाँ प्रॉफिट बहुत शानदार रहा है लेकिन बहुत महंगा हो गया, ट्रेंट, इस पर क्या व्यू है अब? सो एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर मेरे पास है, और आपको याद हो 7 साल पहले हमने अनुज जब आप सीएनबीसी इंग्लिश का शो कर रहे थे, एक 2017 में 17 ईयर्स ऑफ सीएनबीसी था, उस टाइम हम लोग ने ये चुना था, तब इसका चयन किया था, तो मेरे ख्याल से 170 के करीब भाव था इसका, और उसका तब यही चीज पे किया था कि ये एक रिटेल पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ेगा। और उसके बाद आपने देखा ही है ना, सिर्फ वेस्ट साइड और स्टार बाजार, बट जूडियो ने जो जो कमाल ढाया है वो नंबर्स में दिख रहा है, लेकिन ये मल्टीपल्स आप कैसे जस्टिफाई करते हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, ग्रोथ एट एनी प्राइस, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आई वुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस। ऑफकोर्स अगर आपने नीचे के लेवल पे बटोरा है, इसमें पोर्टफोलियो में ऐड किया, तो एक अलग जोन में आप बैठे हो, बट अगर किसी को नया लेना है तो आज 180 190 के पी मल्टीपल्स पे थोड़ा सा जस्टिफिकेशन मुश्किल है। तो आई वुड बिलीव ये अगेन टेक्निकल कारण है, निफ्टी में आने की उम्मीद है, लो फ्लोट है, मोमेंटम है, तो वो सब चीजें हैं, बट थोड़ा सा इसमें संभल के रहना पड़े। इनफैक्ट फ्रेश एंट्री की तो मैं बिल्कुल रेकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस। जी हाँ, थोड़ा सा संभल कर चले, लेकिन एक स्टोरी जिससे दिल भरा हुआ है, यू नो इट्स ट्रू लव इन द मार्केट एक्चुअली, ट्रेंड जिस तरह परफॉर्म कर रहा है। प्रकाश, हम कुछ देर पहले वो मजगांव डॉक की बात कर रहे थे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इन स्टॉक्स में इतनी तगड़ी तेजी देखने को मिली है, हालांकि एक ब्रोकरेज है जो कहता है कि आगे टूटेगा और 70% के नीचे के टारगेट्स आ रहे हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड कि एक मिस्ड आउट फीलिंग होती है, लेकिन प्योर अर्निंग्स के लिहाज से जिस तरह के स्टॉक लेवल्स इन कंपनियों ने अब अचीव कर लिए हैं, क्या अर्निंग्स में वो डिलीवरी की क्षमता इस समय दिखाई दे रही है या नहीं? लाइक हाल के केस में हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है कि जीई के साथ जो टाई अप था तेजस के लिए जो इंजन आने थे, उसमें एक सब्सटेंशियल डीले हुआ है, और वो यू नो थोड़ी सी खटास पैदा करने लगा है अब। ये तो देखिए, एग्जीक्यूशन का जब दौर आता है तो डेफिनेटली मतलब मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं अगर कहीं भी गलती हो। और मैं ये नहीं कह रहा ये कंपनीज एक ऐसी स्पेस में जहां पे कोई प्रॉब्लम है, बट इन कंपनीज को भी आप ये समझिए कि ग्रो होने के लिए, आज जैसे हमारे 3 शिप बिल्डिंग डिफेंस वाली कंपनीज हैं, तीनों को अगर मिलाए तो ये इनका जो मार्केट कैप क्यूमुलेटिवली हो गया है, और उसके सामने इनकी जो ऑर्डर बुक है अगर आप उसको देखें, तो ये मार्केट कैप जस्टिफाई कैसे आप करेंगे कि इनको इतना ग्रोथ, हाई ग्रोथ रखना पड़ेगा अगले 6-7 साल। और मजगांव डॉक की मैनेजमेंट ने तो खुद ही हमारे सिस्टर चैनल अंग्रेजी चैनल पे ये अर्ज किया कि मार्जिन्स में थोड़ा सा सॉफ्टनिंग भी रहेगा, तो अगर मार्जिन्स कम है और आपका एग्जीक्यूशन समय लगाने वाला है, तो आप बैठे हैं इस लेवल पे। और ये जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई जिसमें भाव, उन्होंने कहा कि भाव टूटेगा, लोग उस पर टूट गए कि भाई ये कैसे बोल सकते हैं। अब वो उनका व्यू है, अगर आपको लगता है कि ये व्यू गलत है तो आप तो जाके ले ही सकते हैं, लेकिन इस भाव पे आगे चल के कितना ग्रोथ आपको कायम होगा, हाँ ये रेंज बाउंड रहेंगे, एक टाइम करेक्शन इसमें जरूरी है ताकि एग्जीक्यूशन कैचअप हो जाए, अर्निंग्स ग्रोथ, जो आपने बहुत सही कहा कि अर्निंग्स दिखाएगा कि नहीं ये चीज, और कहीं ना कहीं अगर एग्जीक्यूशन में खटाई पड़ी जैसे एचएल में हुआ है, या कोई और कोई इशू की वजह से स्लो डाउन होता है, या ऑर्डर बुकिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है, बहुत चीजें आ सकती है। तो आई वुड बिलीव आप प्राइस टू परफेक्ट पर उस पे हो, बिल्कुल थोड़ा सा सेफ्टी वो करनी। बिल्कुल प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ये हो गई मार्केट पर फंडामेंटल चर्चा। जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, क्या लग रहा है मार्केट पर इस समय व्यू,
क्या निफ्टी वापस ऑल टाइम हाई लगाएगा और क्या ये पॉसिबल है विदाउट बैंक निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन? जी अनुज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास करके जो हिसाब से बैंक निफ्टी में एक तरह से हमने कांगरू मार्केट देखा है, दो दिन बैंक निफ्टी चलता नहीं है कि वापस सेलिंग देखने को मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें से हमें लैगार्ड और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन रिलेटिव बेसिस में निफ्टी का सेटअप अभी भी मजबूत है। इनफैक्ट 24700 के ऊपर आज हम सस्टेन कर रहे हैं और इसमें एक बहुत ही अच्छी संभावना है कि डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 24950 के आसपास एक गैप है डेली चार्ट के ऊपर जो फिल होता हुआ दिख सकता है। तो अगर थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक ले तो मेरे हिसाब से ये मार्केट ऊपर में 25,000 और नीचे में 24,200 इस रेंज में ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये जो पूरी सीरीज है अगस्त की सीरीज एक्सपायरी तक मार्केट के अंदर ऐसा ही मूव रहे और नेक्स्ट मंथ जो कि ट्रिगर्स है थोड़े मार्केट के अंदर फेड की इवेंट है थोड़ा ट्रैक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो तब तक आई थिंक क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रही है, इंडेक्स में शायद बड़ा ट्रेड देखने को ना मिले लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स खास करके जो निफ्टी को यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहे हैं तेजी में उनमें से एक है रिलायंस जिसका सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है। रिलायंस में हमें लगता है कि तकरीबन 3,100 तक के भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एफएमसीजी में आईटीसी का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है और जो क्वालिटी ऑफ मूव रहा है पिछले कुछ दिनों में उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एक नया हाई आईटीसी में लगता हुआ दिख सकता है। तो सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जब तक आई थिंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर एक तरह से ये जो रेंज ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता तब तक बड़े कमिटमेंट ना करें, आप डे ट्रेडिंग करें, डे ऑन डे व्यू लें। बिकॉज हम देख रहे हैं कि मंडे को मार्केट का एक डायरेक्शन था, ट्यूजडे को एक और, वेनेसडे को ऑल टुगेदर वापस मार्केट स्लगिश होता हुआ दिख रहा है। तो डे ऑन डे अप्रोच रखें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रखें, ये हमारी राय है क्लाइंट्स के लिए। कोई खास लेकिन पॉकेट इस समय राहुल जो आप इस समय आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो मार्केट को सपोर्ट करेगा अगर नए हाई की तरफ हमें पहुंचना है, क्योंकि होप अभी भी है अगर यहां से पिकअप आता है और जो हम 24,800 की बात कर रहे हैं और न्यू हाई की तरफ जाएंगे, वो की किसके पास है? जी आई थिंक ये की जो है बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस को अगर न्यूट्रल भी हो जाता है, 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल निकलता है, आज तो एक्सपायरी है तो थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी लेकिन 51,000 का लेवल अगर निकलता है तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट की जल्द रैली देखने को मिल सकती है, 52,000 तक के आंकड़े आ सकते हैं। अब इसमें बैंक निफ्टी में कौन से वो सेटअप है जो सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए एक तरफ एचडीएफसी बैंक है जो न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है, दूसरी तरफ कोटक बैंक है जिसका सेटअप इंप्रूव हो रहा है। कल के सेशन में हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स के अंदर थोड़ी सी अटेम्प्ट जरूर थी ग्रीन शूट्स थे रिकवरी के लेकिन आज वापस हमने देखा कि सेलिंग देखने को मिली। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए, 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर निकलता है तो ये सपोर्ट करेगा निफ्टी को कहीं ना कहीं 25,000 का लेवल निकालने के लिए, हो सकता है एक्सपायरी के बाद हो। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी के अंदर एक तरह से शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलती, कल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग जरूर थी और हो सकता है एफआईएस की तरफ से खासकर जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंप्रूव हुआ जरा सा उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एफआईएस ने शॉर्ट्स यहाँ पर कवर किए। लेकिन 51,000 के ऊपर हमें लगता है कि एक तरह से शॉर्ट्स ट्वाइस ट्रायंगल होते हुए दिखेंगे और बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक सपोर्टिव मूव देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी स्पॉन्सर करेगा ऊपर में जाने के लिए। आखिरी सवाल, ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें क्या आपने राहुल जी इस समय इन लेवल्स पर? जी अनु जी, मिड कैप स्मॉल कैप में हम इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग की राय दे रहे हैं। हमें लगता है लार्ज कैप जो है रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, ऐसे 25,000 के इंडेक्स में भी हमें लगता है कि लार्ज कैप की अपॉर्चुनिटीज बेटर है। तो इनफैक्ट हमने एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स निकाली है जहां पर हमें लगता है कि जो ब्लू आइड बॉयज है निफ्टी 50 के उनमें फोकस शिफ्ट करना चाहिए, उनमें से बीएफएसआई स्पेस खास करके जहां पर सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है वहां पर फोकस कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर को ये राय है कि लार्ज कैप्स में फोकस शिफ्ट करें, मिड और स्मॉल कैप्स के अंदर हमें लगता है कि थोड़ी स्लगिशनेस रह सकती है और इनफैक्ट काफी अच्छी रैली हमने देखी भी है इस साल में। तो क्लियरली एक मैक्रो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमारी राय क्लाइंट्स के लिए है कि आने वाले 3 से 6 महीने लार्ज कैप के अंदर फोकस करें, वहीं पर अल्फा क्रिएशन होने का चांस है और साथ में डाउनसाइड भी रिलेटिव बेसिस पे कम है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी और इन सब स्टॉक्स पर अपनी राय रखने के लिए। एक